हेलो हाय एंड वेलकम इन स्टडीगढ़। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स साइंस लेसन 7, गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स। दिस इज पार्ट 3। बिफोर वॉचिंग द पार्ट 3, गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2। व्हाई यू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर द फ्लावर्स। फ्लावर को जानने से पहले आप जाइए प्लांट्स के बारे में समझिए, उसके पार्ट्स, और उसकी पूरा मैंने प्रैक्टिकल वीडियो डाला है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, उस पर जाके देखिए। इसमें भी आपको फ्लावर्स बताते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। तो दिस इज़ द फ्लावर। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर प्लांट्स मेक हिज फ्रूट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फ्लावर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ। ये क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। दिस इज़ पेटल। पेटल इज एज लाइक एज आपने हिबिस्कस देखा होगा, गुड़हल, जिसमें रेड रंग का स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा पेटल्स होता है। मैं भी दिखाता हूँ आपको। एंड दिस इज नेक्स्ट, दिस इज ग्रीन पार्ट, इज हमारा क्या है, सेपल है। एंड दिस इज रिसिप्टेल्स। एंड नेक्स्ट इज आप ये हमारा है ओवरी। ओवरी इज द इनर स्ट्रक्चर। व्हेन वी कट द ओवरी देन वी गॉट ओव्यूल्स। जब हम इसको कट करेंगे तो हमें ओव्यूल्स मिलेगा। और ये हमारा हो गया, दिस इज अपर स्ट्रक्चर। ये इसका स्टाइल, जो ये मिड स्ट्रक्चर है, इसके नीचे मिड स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टाइल, एंड अपर स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टिग्मा। और ये जो हमारा एक एक करके निकला हुआ है, इसे एंथर बोलते हैं। और पूरे को, सबको अगर काउंट करके बोलें तो इस सबको पूरे को बोलते हैं एंडोस्टैंड, और वन को बोलते हैं हम एंथर। अब चलिए हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। सो आई अगेन रिवाइज दिस। ये हमारा, मैं रिवाइज करता हूँ, ये हमारा पेटल हो गया और ये सेपल हो गया। अब हम इसको इसमें देखते हैं। सो आई टेक द हिबिस्कस फ्लावर एंड रोज़ फ्लावर। आप ध्यान से अगर देखें तो ये हमारा रोज़ फ्लावर हुआ। ये इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला अगर समझने की कोशिश करें, ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा हो गया सेपल। और ये जो रेड स्ट्रक्चर है, ये हमारा हो गया पेटल्स। और ये जो एंथर है, ये इसका ये बहुत छोटा छोटा भाग, ये एंथर हो गया। ये एक एक करके अगर हम देखें ध्यान से, ये हमारा एक एक, आप रोज़ के फ्लावर को बारीकी से लेकर समझें, ये छोटे छोटे भाग को एंथर, और पूरे को कवर कर लें तो हमारा बोला जाएगा एंडोस्ट्राइन। एक एक भाग को अगर हम निकालें, अगर अब हम इस पेटल को रिमूव करें, व्हेन वी रिमूव द पेटल्स देन वी गॉट दिस स्ट्रक्चर ओवरी, एंड व्हेन वी कट द ओवरी देन वी गॉट ओव्यूल्स। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एक थोड़ा करके रिमूव करते हैं, हिबिस्कस फ्लावर में रिमूव करते हैं, क्योंकि इसमें पेटल्स भी कम है। एक एक करके इसमें निकालेंगे, हमें कुछ दूसरा मिलता जाएगा। हम इसके सारे पार्ट्स को रिमूव करते हैं। ये हम क्या रिमूव कर रहे हैं, ये हमारा पेटल्स हुआ, पेटल्स को हम रिमूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमें मिलता है, देखिए इसमें जो छोटे छोटे भाग हैं, हमें इसका स्टाइल भी मिल गया है, और स्टिग्मा भी मिल गया, और पेटल्स भी है जो छोटा छोटा, हम देखेंगे तो हमारा एंथर भी मिल गया। पेटल हमने रिमूव कर दिया, और अब हम चल रहे हैं, ये जो हमारा ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेपल है, और सेपल को मैं कर रहा हूँ रिमूव। सेपल हमारा रिमूव हो गया। और दिस इज इनर स्ट्रक्चर इज आवर ओवरी। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो इनर स्ट्रक्चर है, ये ओवरी कहलाता है। व्हेन आई कट दिस स्ट्रक्चर, जब मैं इस स्ट्रक्चर को कट करूँगा, देन आई गॉट ओव्यूल्स। ओवरी को टू टाइप्स में कट करना है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और एक लॉन्गिट्यूडिनल कट मारते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स एज सिंस, जैसे हम इसको इस तरीके से काटें, इफ़ आई कट दिस, इसको लेके ऐसे हम इसको ऐसे कट करते हैं, इसको कट हमने कर दिया है, इसके कट लगा दिया। अब इसको करके थोड़ा थोड़ा करके हम निकालते हैं। निकालने के बाद ये जो इनर स्ट्रक्चर होगा, ये हमें ओव्यूल्स, ध्यान से देखें, दिस इज़ आवर ओव्यूल्स। या आई गॉट द ओव्यूल्स स्ट्रक्चर। ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा ओव्यूल्स स्ट्रक्चर हो गया। आप एक प्लांट्स में जाइए, किसी के प्लांट्स, हिबिस्कस का ले लीजिए या रोज़ का ले लीजिए, आपको फ्लावर मिलेगा। और फ्लावर में एक एक पार्ट्स को पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा द फिगर और इमेजिन द फिगर इन योर माइंड, एंड देन यू थिंक अबाउट वाट इज़ द पार्ट्स, और एक एक पार्ट्स को निकालें और देखें, और नेक्स्ट ये हमारे समझें एक एक क्या क्या किसका क्या फंक्शन है। हम फिर आई अगेन रिवाइज दिस। पेटल्स भी मैंने दिखा दिया, जो रेड स्ट्रक्चर था ये मेरा पेटल्स हो गया, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर मैंने रिमूव किया था, ये मेरा सेपल्स हो गया। और जब मैंने पेटल्स और सेपल निकाला तो मुझे ओवरी मिली, और मैंने उसे कट किया तो मुझे मिला ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, आप इसे अंडरस्टैंड करें। तो अगर आप इसे ढंग से फिगर को ड्रा करें सबसे पहली बात, और दूसरा आप एक स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर लेके उसको डिवाइड करके देखें। फ्लावर से ही प्लांट, जो ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर दे मेक द फ्रूट। फ्लावर ही लास्ट में जाके फ्रूट का रूप लेता है। तो आपके सिलेबस में जितना था मैंने उसे कवर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस पार्ट्स को देखने से पहले आप पीछे जाके पार्ट्स को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स
सारे टॉपिक्स कवर कर दिया है। अगर कोई टॉपिक छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासमेट के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।